हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे लेट्स कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑफ चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 8। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इन दिस वीडियो वी विल कवर दोज टॉपिक्स फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट इन द प्रीवियस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू। इन दिस वीडियो वी विल कवर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ लेट्स स्टार्ट। In the previous video, I have already explained about the conventional sources of energy, and in this video, I am going to explain you about what is non-conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuels will get exhausted. इट मीन्स इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ़ फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जितना तेज़ी से इनका यूज़ किया जा रहा है, इससे इन जो ये जो फ्यूल्स हैं वो क्या हो रहा है, इनकी शॉर्टेज होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज़, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसका जो प्रेजेंट रेट है, यानी जो इसकी वर्तमान मात्रा है, जो वर्तमान में इसकी मात्रा है, अगर इसका उपभोग हम इसी तरह से करते रहे, इसी तरह से इसको यूज़ करते रहे कंटिन्यूसली, तो जो इसके रिजर्व्स होंगे, जो इसके भंडार हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इनके यूजेस से क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है, यानी हमारे इनको यूज़ करने से पर्यावरण में पॉल्यूशन होता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो ये नीड है हमारी कि हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे क्या हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी एक बार इनका यूज़ होने के बाद ये दोबारा इनको हम पा सकते हैं। सो सोलर एनर्जी, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे। सन की जो हीट और लाइट होती है, यानी गर्मी और जो उससे प्रकाश मिलता है हमको, ये जो एनर्जी है हम एवरी डे फील कर सकते हैं इसको। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, जो कि सन से मिलती है हमें सोलर एनर्जी, और ये किस तरह से प्राप्त किया जाता है, सोलर सेल्स के थ्रू, जिससे क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। मेनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जेनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पजेस। बहुत सारे सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं सोलर पैनल में, और इससे क्या होती है, जनरेट की जाती है पावर हीटिंग और लाइटनिंग प्रोसेस के लिए। हीटिंग यानी गर्मी के लिए या उष्मा के लिए, एंड लाइटनिंग यानी प्रकाश के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विथ एबंडेंट सनशाइन। जो टेक्नोलॉजी है यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी यानी कि ये जो सोलर एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पे सनशाइन यानी धूप जो होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे पड़ती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उन देशों में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया जाता है। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बींग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में, और इसके साथ साथ इसका यूज़ किया जाता है कम्युनिटी लाइटिंग, यानी समुदाय, आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट पे आजकल सोलर पैनल जोड़ करके, और दिन के वक्त वो चार्ज हो जाता है और रात में फिर वो लाइट जलाने के काम में आता है, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल जो है वो ट्रैप कर रहा है सोलर एनर्जी को। विंड एनर्जी, विंड इज़ एन इनएक्सहॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हवा जो है वो कभी ख़त्म न होने वाली एनर्जी है। एंड विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रीन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल, यानी बहुत पहले से ही विंड का यूज़ जो है, विंड मिल्स का यूज़ ग्रेन्स यानी अनाजों को पीसने के लिए और वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता रहा है। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल्स विच इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मॉडर्न टाइम में विंड मिल्स जो है उससे हाई स्पीड जो विंड्स यानी जब हवा तेज़ चलती है तो विंड मिल जो है वो रोटेट होता है, विंड मिल
घूमता है और उससे क्या होता है, इसको एक जनरेटर से कनेक्ट करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। विंड फार्म्स ने बहुत सारे विंड मिल्स को एक साथ इकट्ठा करके और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये सारे जो विंड मिल्स होते हैं वो कोस्टल रीजन्स, इट मीन्स कि जो समुद्र के इलाके हैं उस तरफ में, और माउंटेन जहाँ से माउंटेन बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची माउंटेन्स होती हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी, जहाँ से माउंटेन पास होती हैं यानी माउंटेन्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और बहुत ही तेज़ गति से चलने वाली हवाएँ चलती हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ इन जगहों पर विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ आइटम्स ऑफ नेचुरली ऑक्योरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर जो है वो ये वो एनर्जी है जिसको न्यूक्लियाई एटम्स यानी कि जो भी यूरेनियम और थोरियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं उससे मिलते हैं, जो कि ये नेचुरली होते हैं। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ये जो न्यूक्लियर होते हैं या ये जो यूरेनियम और थोरियम एलिमेंट्स होते हैं जब ये जलते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, ये पावर इनसे निकलता है। फिर क्या होता है, ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। यूएसए और यूरोप ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। हमारे इंडिया में राजस्थान और झारखंड दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस यूरेनियम के बहुत बड़े डिपॉजिट्स मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट, यानी कह सकते हैं डिपॉजिट मीन्स जमाव होना। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। थोरियम जो है इसकी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा जो है वो कहाँ पर मिलती है, केरला के मोनोजाइट सैंड्स में, बालुओं में मिलती है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान एंड नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा ऑफ इन कर्नाटका। ये जो न्यूक्लियर पावर के स्टेशंस हमारे इंडिया में लोकेटेड हैं उसमें कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर जो कि कोटा में है राजस्थान में, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नरोरा एंड कैगा इन कर्नाटका, कर्नाटका के ने कैगा। तो ये सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हमारे इंडिया में हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी इट मीन्स हीट मीन्स क्या होता है, गर्मी होती है, तो यह उष्मा कह सकते हैं इसको। तो ये जो एनर्जी होती है अर्थ से मिलती है, अर्थ की सतह पे जितनी भी गर्मी पाई जाती है उससे जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम अर्थ में डीपली जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो वहाँ का बढ़ता चला जाता है, तापमान बढ़ता जाता है। सम टाइम दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कभी कभी क्या होता है, ये जो हीट एनर्जी होती है वो सरफेस पे यानी कि अर्थ की सरफेस पे एक हॉट स्प्रिंग्स के रूप में बाहर निकलती है। हॉट स्प्रिंग गर्म जल के जो सोते होते हैं, गर्म झरने कहीं कहीं बहते हैं ना, तो वो इसी की वजह से होते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इसी हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए पावर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का एक पिक्चर बना हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीट फ्रॉम फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर, ये जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसमें से हीट गर्मी पड़ रही है, फिर क्या हो रहा है, हॉट वाटर यहाँ से जा रहा है और ये स्टीम बन जा रहा है, भाप के रूप में जा रहा है और टरबाइन को चला रहा है। टरबाइन जब ये पंखे चल रहे हैं तो ये जनरेटर इससे क्या हो रहा है, घूम रहा है, और जनरेटर के घूमने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये था न्यूक्लियर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सिवरल ईयर्स। कई सालों से जियोथर्मल एनर्जी जो है ये हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म जल के झरनों के रूप में इसको कह सकते हैं यूज़ किया जाता है, और ये जो गर्म जल के झरने होते हैं इसको यूज़
कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए कई सालों से यूज़ किया जाता रहा है। USA has the world's largest geothermal power plant, followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. USA जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट geothermal power plant वहाँ पे लगाया गया है, जिसमें कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। दिस इज़ द पॉइंट टू बी रिमेंबर दैट इन इंडिया, हमारे इंडिया में क्या है, जियोथर्मल प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख, लद्दाख में पूगा वैली में। तो जियोथर्मल एनर्जी, यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका यूज़ जो है कुकिंग फूड के लिए भी किया जाता है। इन दिस गिवन पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली दैट यहाँ गर्म जमीन से जो गर्म पानी निकल रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, सतह पे आ रहा है पानी, और इससे क्या हो रहा है, टर्बाइन लगी हुई है और जनरेटर से ये जनरेट हो रहा है पानी। हियर इज़ अ पॉइंट विच इज़ गिवन इन योर बुक दैट द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वॉज बिल्ट इन फ्रांस, पहला टाइडल एनर्जी जो है वो फ्रांस में बिल्ट किया गया था, स्थापित किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी उसको बोलते हैं जो कि टाइड्स से जनरेट की जाती है। अब टाइड्स क्या होती है, समुद्र की जब ऊँची ऊँची लहरें उठती हैं तो उसको बोलते हैं ज्वारीय तरंगे, ज्वारीय, यू कैन सी ज्वारीय मीन्स होता है जल से उठी हुई तरंगे, इसी को बोलते हैं टाइडल वेव्स या टाइड्स। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो टाइडल एनर्जी होती है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्डेंस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। टाइडल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बिल्डिंग डैम्स, डैम्स जब बनती है तो इससे ये एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जब समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उस टाइड का यूज़ जो है वो टर्बाइन उसमें लगा दिया जाता है, जो चक्के होते हैं घूमने वाले पंखे की तरह, और ये जब घूमते हैं तो इस डैम से फिर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन द इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। रशिया में, फ्रांस में और हमारा जो द गल्फ ऑफ कच्छ है इंडिया का, यहाँ पे बहुत विशाल टाइडल मिल फार्म्स स्थापित की गई हैं और यहाँ से जो है प्रोड्यूस की जाती है टाइडल वेव्स से एनर्जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोगैस, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इन टू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, आई थिंक यू ऑल हैव नो अबाउट ऑर्गेनिक वेस्ट, इन द साइंस यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट इट। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के मटेरियल्स होते हैं, एनिमल डंग होता है एंड किचन के वेस्टेड होते हैं जो कन्वर्ट किए जाते हैं गैसियस फ्यूल में, जिसको बायोगैस बोलते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ डीकम्पोज बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो डीकम्पोज होता है बैक्टीरिया के थ्रू, और फिर क्या होता है, इन बायोगैस डिजास्टर्स, बायोगैस डिजास्टर्स में एंड देन इमिट बायोगैस, और इससे क्या होती है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है विच इज़ एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ, ये एक मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। बायोगैस जो है वो एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए, एंड इससे क्या होती है, लाइटिंग भी होती है एंड प्रोड्यूस की जाती है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर मीन्स होता है उर्वरक, इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस की जाती है हर साल। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी जो है वो हर जगह है और हम इसको देख सकते हैं कि इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो एनर्जी होती है डिफ़िकल्ट भी होती है और साथ ही साथ ये बहुत कॉस्टली भी होती है, हर साल हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करते हैं। एनर्जी जो है इसे सेव करना चाहिए, क्योंकि
ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी ये प्रोवाइड हो सके। सो एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फॉर फ्यूचर। इसलिए अच्छे से हमें काम करना चाहिए एंड अपने एनर्जी को बचाकर, ये सारी जो एनर्जीज हैं इससे इसको बचाकर अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए। सो दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।